भारत च करोना की दूजी लहर का कहर लगातार जारी है। इस दरम्यान महामारी की तीजी लहर को लेकर भी चिंता प्रगटाई जा रही है, जिस सब तो ज़्यादा बच्चों के प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसन देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया है। माहरां की एक कमेटी ने 2 से 18 साल उम्र वर्ग के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूजे ते तीजे ट्रायल की सिफारिश की, जिसनों हुण भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। करोना वैक्सीन नाल संबंधित सबजैक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने लंघे मंगलवार को सिफारिश की सी कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूजे ते तीजे चरण के क्लीनिक ट्रायल नूं मंजूरी दी जाए, जो कि 2 से 18 साल उम्र वर्ग के बच्चों उत्ते किया जाएगा। उन्होंने दस्या कि यह ट्रायल दिल्ली के एम्स, पटना एम्स और मेडिट्रेना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज नागपुर किया जाएगा। दस दईए कि भारत अजे तक जिन्हों दो कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हों दोवों का 18 साल तो ज़्यादा उम्र वाले व्यक्तियों उत्ते क्लीनिक ट्रायल किया गया सी। अते ए वैक्सीन 18 साल तो उपर उम्र वर्ग के व्यक्तियों नू लगाई जा रही है। हुण कनेडा ते अमेरिका तो बाद भारत च भी 2 से 18 साल उम्र वर्ग नू करोना वैक्सीन जल्दी लगनी शुरू हो जाएगी। उधर कनेडा ते अमरीका तो बाद बच्चों नू वैक्सीन लगाउण की इजाजत देण वाला भारत तीजा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी टीवी।